उत्तराखंड में इन दिनों अदालतों में ऐसे सभी पेंडिंग मामलों में समन और वारंट तामील कराने का अभियान चल रहा है जो लंबे समय से रुके हुए हैं। वहीं उच्च अदालतों के निर्देश पर उत्तराखंड की सभी अदालतों ने लगभग 88,000 समन और वारंट तामील कराने के लिए अब पुलिस थानों में इसे भेज दिए और देहरादून बार एसोसिएशन ने इस अभियान को लेकर शीर्ष अदालतों को लेकर आभार जताया। और इसके अलावा बार एसोसिएशन के देहरादून के सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि इससे अदालतों की जो पेंडेंसी है वो समाप्त होगी। इतना ही नहीं, अदालतों में जो काम का भार रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये काम जो कोर्टों के द्वारा और पुलिस के सहयोग से जो हुए हैं और जो समन और वारंट तामील कराए गए हैं, अगर ये रूटीन वर्क में होते तो ये समस्या ना आती, क्योंकि जो इस बीच जो ये समस्या आई है कि कोर्टों में खड़े होने की जगह नहीं रहे कोई। अगर ये यही रूटीन में कराते तो बहुत बढ़िया रहता। और ये अगर आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि त्वरित जजमेंट वाली से ये तभी हो पाएगी जब आप वादी को या अभियुक्त को तामील करवाएंगे, और इससे आने वाले टाइम पे इसका रियल भी देखने को मिलेगा। कोर्टों की पेंडेंसी खत्म होगी जो कई कई सालों से कोर्ट चले आ रहे हैं, और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछले 40 40 50 50 साल से केस चल रहे थे और जिसको जिनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था, और ये बहुत अच्छी पहल है। पुराने मामलों को का डिस्पोजल किया गया है और इससे बात करियों को बहुत बेनिफिट होने वाला है।